पूर्णिया पुलिस ने तनिष्क शोरूम में हुए लूटकांड के मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया पुलिस के अनुसार यह चारों लाइनर की भूमिका निभा रहे थे। पुलिस ने तीन अपराधी को हाउसिंग बोर्ड से गिरफ्तार किया, वहीं एक अपराधी को अररिया से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से दो देसी कट्टा, कारतूस और लूटकांड में प्रयोग किया गया तीन बाइक बरामद किया है। पुलिस के अनुसार इस लूटकांड का मास्टरमाइंड सुबोध सिंह है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के जेल में बंद है। इस लूट की योजना को पटना के बेऊर जेल में बनाया गया था। इसमें पूर्णिया का कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह भी शामिल है। पूर्णिया एसपी ने बताया कि जब बिट्टू सिंह को बेऊर जेल भेजा गया था, तब बिट्टू सिंह सुबोध सिंह के संपर्क में आया था, जिसके बाद सुबोध सिंह और बिट्टू सिंह ने मिलकर तनिष्क लूटकांड करने की पूरी प्लानिंग की थी। वहीं लूटकांड में शामिल अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही ज्वेलरी बरामद हुई है। वहीं सभी लाइनर के पकड़े जाने के बाद पुलिस जल्द ही मुख्य अपराधी तक पहुंचने का दावा कर रही है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 26/7 को जो तनिष्क शोरूम में जो लूटकांड हुआ था, उस कांड में जिला पुलिस के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया था। और इस छापेमारी के बाद जो और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य उभर के सामने आया, तो उस तथ्य के आधार पे ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद सातिर अपराध कर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहाँ पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। और इस घटना का उद्भेदन करते हुए सबसे पहले ये राहुल कुमार को पकड़ा गया, जो बेगूसराय का रहने वाला है और पूर्णिया में नई बाजार में कोई क्लिनिक चलाता है। और इसके बाद इनसे पूछताछ के आधार पर बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर भी कई लोगों का नाम सामने आया। खास करके इनके द्वारा यह बताया गया कि प्रभात कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड में स्थित बिट्टू सिंह, अभिमन्यु सिंह और चुनमुन झा के विभिन्न ठिकानों में स्थानीय एवं बाहरी अपराध कर्मियों के साथ आभूषण के दुकान लूटने के लिए स्थानीय स्तर पे रेकी करना और योजना बनाना शामिल रहा था। और इन सबों का निर्देशन बेऊर जेल में जो बंद कुख्यात अपराध कर्मी है वहाँ से हो रहा था। सुबोध सिंह चूंकि अभी वेस्ट बंगाल के जेल में है, अभी जो करंट में है वो सुबोध सिंह के एसोसिएट के द्वारा निर्देशन हो रहा था, लेकिन ये प्लानिंग एक दो महीने पहले से बन रहा था, जिस समय बिट्टू सिंह रिमांड पे गया था तो उसके आधार पे। खैर, जो अपराध कर्मी है इस घटना को जो पारित करने के लिए जो अपराध कर्मी रहे थे वो अररिया के सिप्यूरी स्थित एक लॉज में रखा गया था और साथ ही वहीं पे मीटिंग भी हुई थी। और इसके इस योजना को पारित करने के लिए अररिया एवं पूर्णिया के विभिन्न दुकानों से कपड़ा भी खरीदा गया था और अलग अलग लेयर पे रेकी भी की, एक शोरूम का रेकी भी कराया गया था। घटनास्थल पे अभी तक जो यहाँ का एक लोकल अपराधकर्मी है चुनमुन सिंह, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, चुनमुन झा, वो उसका नाम सामने आया और इसीलिए वो मास्क भी लगाए हुए था क्योंकि वो यहाँ का स्थानीय था। और इसके अतिरिक्त घटनाक्रम में कई टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पे भागने का एग्जैक्ट रूट पता किया गया और उस फुटेज सीसीटीवी के चैनल के थ्रू हम लोग मालदा पहुँचे और वहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने उसका पूरा रूट आइडेंटिफाई किया और कहाँ रुकने का है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। इसके साथ साथ जो अपराधकर्मी चुनमुन झा है उनके भाई के द्वारा भी इस अपराध की योजना में शामिल रहने और साथ ही साथ जो मोबाइल चुनमुन झा के द्वारा यूज हो रहा था उसको जलाने में शामिल रहा। और इसके अतिरिक्त जो अभिमन्यु सिंह है वो और बम यादव एवं अन्य लोग जो हैं वो इस घटना में लोकल लेवल पे लाइजनिंग और लोगों को फैसिलिटेट करने का काम किया।
और इस तरीके से अभी तक जिला पुलिस के द्वारा और एसटीएफ के कई टीमों के द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोबाइल का जला हुआ अवशेष एवं विभिन्न कंपनी की कुल 4 मोबाइल तथा जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित हुई थी उसे भी रिकवर कर लिया गया है और उसको भी जब्त किया गया ज्वेलर वगैरह चारों है। चारों का एक राहुल श्रीवास्तव बेगूसराय का है, लेकिन रहता यहाँ था। अभिमन्यु सिंह, आनंद झा, आनंद झा चुनमुन झा का भाई है, और एक बम यादव। तो ये 4 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें अभी और सब यही पूर्णिया के ही हैं, बाकी जो लोकल असिस्ट केवल ये राहुल श्रीवास्तव बेगूसराय का रहने वाला है और यहाँ पे क्लिनिक एक क्वैक डॉक्टर के रूप में क्लिनिक चलाते हैं। ये लोग लूट के प्लान से लेके जो अपराध कर्मी है उसको फैसिलिटेट करने का काम कर रहा है। नहीं, अभी लूट कांड जो जो 6 सीसीटीवी फुटेज में जो 6 लोग आए हैं अभी तक उनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। हाँ, पहचान कर ली गई है, सभी लोगों की पहचान कर ली गई है, उसके लिए भी अभी लगातार कई टीमें काम कर रही है। अभी भी हमारी टीम में जो है वो वेस्ट बंगाल में कुल मिला के 5 टीमें काम कर रही है और साथ ही साथ पटना में भी काम कर रही है और भी अन्य जिलों में काम कर रही है। हाँ, नहीं वही वही तो भूल रही है ना, अभी वो जो 6 लोग हैं उनमें से अभी अरेस्ट कोई नहीं, कि वो अभी नहीं बताया जाए, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। हाँ, ये भी अभी हम नहीं बताएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन की बात है और वो सब सब बिट्टू सिंह तो ऑलरेडी गिरफ्तार है।